गुड मॉर्निंग हरियाणा में आज आपको लेकर चल रहे हैं अंबाला के हर्बल पार्क, जहां लोग सुबह शाम सैर के लिए पहुंचते हैं। यहां लोग न केवल सैर करते हैं बल्कि योग और एक्सरसाइज करके खुद को फिट रखते हैं। हमें सुबह की शुरुआत अच्छी दिनचर्या के लिए एक्सरसाइज, सैर या योगा से करने चाहिए। इससे हम तंदुरुस्त भी रहते हैं। यही दिखाने के लिए हम मौजूद हैं अंबाला शहर के हर्बल पार्क में, जहां पर लोग सैर करने के लिए आते हैं, योगा करने के लिए आते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं। ऐसा लोग अपने आप को फिट करने के लिए आते हैं और थोड़ा हंसी मजाक हो जाता है, समय व्यतीत हो जाता है, तो उसका फ़ायदा यही है कि लोग जो हैं फिट रह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कोई आपको इस पार्क के अंदर सैर करता दिखाई देगा, कोई एक्सरसाइज करता हुआ दिखाई देगा, कुछ लोग जो हैं योगा भी जो है करते हैं। तो ये जो है हमें फिट रहने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए जो है रोज़ की रूटीन में अपनाना चाहिए। ये लोग भी ऐसे ही रोज़ाना अपनी शुरुआत करते हैं, इससे जो है इनका दिन जो है अच्छा जाता है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आपकी दिनचर्या किस तरह की रहती है, किस तरह से शुरुआत करते हैं? मैं सुबह 3:30-4 बजे उठ जाता हूँ। 3:30 बजे उठने के बाद नहा धो करके मेरे अपने घर में गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है, और प्रकाश करने के बाद मैं 5 बजे गुरुद्वारा साहब में, जो कि सेक्टर 7 में है, वहाँ पर जा कर के हमारे धर्म में 5 बानियाँ सबसे बड़ी मानी जाती हैं, जो कि सुबह उच्चारण होती हैं। तो वहाँ पहले गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कराने के बाद वहाँ पर 5 बानियों के पाठ जो है संगत मिलजुल के करती है। उसके बाद कोई 6:45 बजे वहाँ भोग पड़ता है, वहाँ से सीधा हम यहाँ पार्क में आ जाते हैं। पार्क में आने के बाद हमारे मित्र सज्जन जितने भी यहाँ पर हैं उनके साथ हमारा कुछ ठहर हो जाती है, मटरगश्ती होती है, बातचीत होती है, क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्या हो रहा है, क्या उनको पसंद है। उसके बाद हमारा एक योगा ग्रुप है जो आप देख रहे हैं। ये योगा ग्रुप हमारे 5 तो डॉक्टर्स हैं जो कि यहाँ रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, और ये मैट्स हैं, ये सब मैट्स जो हैं यहाँ से पार्क की हैं, और इसी हिसाब से जो भी यहाँ करना चाहता है वो यहाँ पर करते हैं। और सुबह एक यहाँ पर कोई 5:30 से 6:30 योगा टीचर आते हैं, जो कि सुबह लोगों को एक्सरसाइज कराते हैं योगा के बारे में। टोटल 1 घंटे का वो प्रोग्राम होता है, जो कि पब्लिक बहुत अच्छी तरह से उसको इंजॉय करती है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग बैडमिंटन भी खेलते हैं, छोटी मोटी एक्सरसाइज, हर तरह की आदमी, हर बंदा अपने हिसाब से एक्सरसाइज करता है। बच्चे हैं वो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, और जो हमारे जैसे हैं वो एक्सरसाइज जिस हिसाब से हमारी बॉडी अलाउ करती है हम उस हिसाब से कर लेते हैं। सो इस जो लोग नहीं आते उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़रूरी है या थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? देखिए, आप लोग सब जानते हैं, और जो मोदी जी ने अभियान चलाया था और जो हमारे योग के ऊपर इतना लंबा चौड़ा काम हुआ है और सारे वर्ल्ड को जोड़ा गया है, तो उसके अंदर यही बताया गया है सबसे पहले तो हमें योग से अपनी सारी दिनचर्या ठीक चलेगा। आपकी एक्सरसाइज, आपका एक एक पार्ट जो है बॉडी का वो हिलना चाहिए। जो हम लोग या हम बच्चे ले लो या बड़े ले लो या बुज़ुर्ग ले लो, जब तक हमारे बॉडी के पार्ट्स नहीं हिलेंगे तब तक हमारे को हेल्दी बॉडी नहीं होगा हमारा। तो हम जो भी बुज़ुर्ग हैं, इवन आप अगर मिलोगे, हमारे पास अभी वहाँ 85 ईयर्स ओल्ड बैठे थे, वो भी यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। और जो ये हमारे हमने फाउंटेन लगा हुआ है, और यहाँ पर जो फाउंटेन है ये म्यूज़िकल फाउंटेन है, जो कि पब्लिक की सपोर्ट से लगा हुआ है, ये गजीबो बनी हुई है। और यहाँ पर ये हमारे पास रैबिट्स हैं, एक्वेरियम है, यानी कि माहौल अच्छा है, तो उस माहौल में अच्छे से एक्सरसाइज भी हो जाती है और सैर भी हो जाती है। एक सर हैं, ये भी योगा कर रहे हैं। सर, कब से ये रूटीन है आपकी? 1.5 साल हो गया। अच्छा, कितना चेंज देखते हैं, कितना ज़रूरी हो गया अब आपके लिए ये? ज़रूरी हो गया, लाइफ का एक पार्ट हो गया, हिस्सा हो गया। अच्छा, कुछ लोग जो हैं डरते हैं, योगा नहीं करते हैं या सैर नहीं करते हैं, कितना ज़रूरी मानते हैं? नहीं नहीं, ये तो गलत सोच है। सबको योगा करना चाहिए, सैर करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये भी यही कह रहे हैं कि योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर हैं आप, सर आप भी रूटीन अपना रखा है आपने, सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि आप कब से कर रहे हैं और लोगों को क्या सलाह देंगे, क्योंकि एक डॉक्टर भी हैं आप। मॉर्निंग, व्हाट आई बिलीव इज कि इफ द मॉर्निंग इज़ गुड देन द डे इज़ गुड, एंड द बेस्ट वे टू स्टार्ट द डे इज़, सबसे अच्छी शुरुआत जो है दिन की वो एक्सरसाइज ही होती है। हेल्थ इज़ वेल्थ,
हेल्थ है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है. एंड वी आर क्वाइट प्रिविलेज टू हैव सच ए गुड पार्क. वाली अंकल के अंथक प्रयासों से ये मेंटेन हो रहा है, वरना अगर कुछ समय पहले देखते तो यहाँ मतलब नोबडी वुड लाइक टू कम. लगातार मेरे घर इनको तो जो है ना पार्क वाला बाबा के नाम से भी लोग जानते हैं. पूरा दिन इनका यहीं बीतता है एंड बहुत सारे ऑफिसर्स सिविक अथॉरिटीज़ की तरफ से भी सपोर्ट मिलती है. हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि और लोग भी आएं और एनजीओ जुड़ें ताकि ये जो पार्क है अच्छे से मेंटेन हो, और लोग आएं, बच्चे आएं, और जो अभी पेंडेमिक पीछे चला उसको कॉम्बैट करने का द बेस्ट वे इज़ टू कीप फिट. और फिटनेस के लिए आपको एक्सरसाइज तो ज़रूरी है. क्या कितनी देर की एक्सरसाइज जो है काफ़ी रहती है? देखो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका हेल्थ स्टेटस क्या है और आपकी हेल्थ कितना परमिट करती है. लेकिन अगर कम से कम भी आप समझें तो मिनिमम 30 मिनट ऑफ एक्सरसाइज, मे बी जॉगिंग, मे बी एक्सरसाइज, देन डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी एंड स्टेमिना वन मस्ट डू. जी आप लोगों का ग्रुप कितनी देर यहाँ पर हर्बल पार्क में रहता है? जो लोग हमें टीवी पर सुन रहे हैं वो अंबाला वाले यहाँ आकर जो है आपको ज्वाइन कर सकते हैं? ऑफ कोर्स दे आर ऑल वेलकम. हमारा गुड मॉर्निंग क्लब है, अनुभव अग्रवाल जी भैया हमारे पास आते हैं. हमारा 20-25 लोगों का ग्रुप है. डेली वी कम, मतलब आवर डे स्टार्ट्स विद कमिंग टू पार्क, स्टार्टिंग एक्सरसाइज, दैट्स हाउ वी स्टार्ट द डे. तो ये हमारा शो जो है गुड मॉर्निंग है और हम भी गुड मॉर्निंग से शुरुआत करते हैं, तो इस क्लब का नाम भी गुड मॉर्निंग है. तो और भी जो शख्स हैं वो भी लोग भी योगा कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे. सर कब से रूटीन है आपकी योगा की? सर योगा तो प्राणायाम काफ़ी देर से कर रहे हैं, और आप अगर आपने आज सुबह आके हेल्थ के बारे में से लोगों से पूछना चाहा है तो हेल्थ इज़ ए वेल्थ, हेल्थ इज़ ए वेल्थ. और अगर आप सुबह उठ के ये सोच लें कि मैंने कुछ देर के लिए बाहर जाना है, आप समझ लीजिए इतने में आप में पॉजिटिविटी आ गई. और अगर आप बाहर निकल गए आपकी पॉजिटिविटी बढ़ गई. और अगर आप घूमते घूमते पार्क में आ गए तो आपने कितना आपने अर्न किया है वो आप बयान नहीं कर सकते, आप एवेल्यूएट नहीं कर सकते. और आके अगर यहाँ आके आप थोड़ी देर सैर कर लें और थोड़ा योगा कर लें, क्योंकि पार्क में आने से जो अगर एक रूम में बैठ के योगा किया जाए और एक पार्क में आके किया जाए तो बहुत फ़र्क है. क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का मात्रा है हमारे में कई गुना ज़्यादा इनहेल करेंगे. तो हर हमारा ये सोच है, हमारा एक मैसेज जाना चाहिए कि अगर आप लोग कुछ भी ना करें, अगर पार्क में आके बैठ भी जाएँ तब भी उनका वो एक तब भी एक गेन होता है. आज का जो एज ग्रुप है, आज के जो युवा हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में हमने देखा कि रात रात भर व्हाट्सएप जो है सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं लेकिन सुबह नहीं उठ पाते हैं, उन्हें क्या आपका मैसेज रहेगा? देखिए आप कोई भी ऐसे गैजेट है आप उसको यूज़ करिए, एक लिमिटेशन तक करिए. ये धीरे धीरे आगे, अब देखिए आप इसमें युवा आप देखेंगे पार्क में कुछ युवा बच्चे भी आ रहे हैं, सुबह वो भाग रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं. तो हमारा मैसेज यही है सब बच्चों को या जो यूथ है कि आप सुबह सोने के बजाय अब घर से बाहर निकलिए और कोशिश हो रात को एक लिमिटेशन रखिए कि आपने अपना गैजेट इतने बजे बंद करना है या अपना मोबाइल आपने इतने बजे बंद करना है. धीरे धीरे आपको आप मैसेज जैसे आप आज एक बड़ा आपके अच्छा प्रयास है, आपने हमारे पार्क में आके लोगों से आपने इंटरव्यू ली है. अब जो आप ये इंटरव्यू आप अपनी टीवी पे चलाएंगे, हमें पूरा ये विश्वास है कि जो कुछ बच्चे जो इसको देखेंगे कुछ मात्रा में वो जरूर आएंगे. आपका जो ये गुड मॉर्निंग क्लब है, क्या रूल क्या है इसका? हमारा गुड मॉर्निंग क्लब ये है कि सुबह सब लोग मिलके यहाँ पे आके पहले थोड़ी सी वॉक करते हैं, वॉक करने के बाद पार्क में आके बैठ के वो हंसी मजाक होती है जिसका कोई मूल नहीं है. उसके बाद हमारी कोशिश रहती है कि थोड़ी देर बैठ के कहीं जाके चाय पिया जाए, उसमें भी गुफ्तगू होती है. ये जो एक घंटा हमारा है, ये घंटा हमें सारा दिन अब फिट रखता है और खुश तबीयत में रखता है. गुड मॉर्निंग क्लब जो है खुश रहने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ता है, फिट रहने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ता. तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, कुछ और लोग भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे. सर आप भी जो है रूटीन में शेयर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं? हाँ, रूटीन में रूटीन लिए आता हूँ मैं, 40 मिनट्स वॉक करता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पे. फिट रखता है आपको ये? सर 40 मिनट्स सैर और उसके बाद 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज, तो सारा दिन बहुत अपने आप को इजी फील होता है और लाइट रहता है शरीर और अपना माइंड, बीपी वगैरह एवरीथिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आती, शुगर ओके, फर्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम. अगर मॉर्निंग में आप 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका सारा दिन फिट रहेगा.
काम में आपकी एनर्जी बहुत हाई होगी और आपको पूरा डेली कोई थकावट नहीं होगी और आप बहुत लाइट अपना फील करेंगे।